So this is now coming to the topic of the cardiac cycle and the blood vessels involved in the flow through the heart. इसके बारे में शायद हमने बात करी थी जब मैंने बोला था ए फॉर वे ए फॉर आर्टरी है ना. सो कार्डियक चलो कोई नहीं हम कराते हैं दोबारा. दिस इज कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल दैट इज अ साइकिल साइक्लिक चेंजेस दैट विच आर टेकिंग प्लेस इन द हार्ट when there is the pumping of the blood has to take place, right? For the pumping of the blood, what is happening is, jab humne baat kari ki heart mein, jaise for example, let's say I'm just hypothetically making this, as you did it for the double circulation, hai na? Double circulation mein humne aise hi heart show kiya tha flow chart mein. So ye hamare do chambers, that is the upper and the lower chamber, auricle and ventricle, left and the right side, theek hai? So ye hamara heart representative, so this is it. कार्डियक साइकिल में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ऑरिकल, दिस इज अ वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज ऑल्सो ऑरिकल एंड दिस इज द वेंट्रिकल, ठीक है. तो ऑरिकल्स अपर चैम्बर्स, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर्स. ऑरिकल्स आर द रिसीविंग यूनिट्स, दे हैव टू रिसीव एंड देन दे विल बी थ्रोइंग इट इनटू द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल विल बी पुशिंग इट और पंपिंग विद प्रेशर एंड सेंडिंग इट टू द वेरियस ऑफ द बॉडी टिश्यूज. ऐसे ही होता है, ठीक है. तभी हमने बात करी थी कि इसकी जो वॉल्स है वो थिकर होती है, ठीक है. अब यहाँ पे कार्डियक साइकिल होता कैसे है, जो इसमें चेंजेस हैं, जो पहला चेंज है दैट इज द जॉइंट डायस्टॉल. डायस्टॉल मींस रिलैक्स, जॉइंटली रिलैक्स मींस व्हाट, द टू ऑफ द चैम्बर्स, ये दोनों इस तरह से ओपन है, ठीक है. दोनों चैम्बर्स में ऑरिकल है या वेंट्रिकल है, ये दोनों चैम्बर्स ओपन बढ़ेंगे, ठीक है. ये पॉइंट मतलब 0.01 सेकंड्स के लिए हार्डली, यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए हार्डली इकट्ठे ओपन होते हैं, ठीक है. इट इज नॉट अ रेगुलर लाइक हर टाइम ये ओपन रहते हैं, ये इकट्ठे ओपन होते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये अल्टरनेटिव चेंज देते हैं. इफ वन इज रिलैक्स अनदर इज कंट्रैक्टेड, इफ अनदर इज रिलैक्स देन दिस इज, इफ दिस इज रिलैक्स देन दिस विल बी कंट्रैक्टेड, ऐसा समझ आया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों ने अपर लोअर चैम्बर्स ने अलग अलग अपनी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करनी है. सेम जब ये ओपन होते हैं यानी सेम टाइम पर रिलैक्स होते हैं, इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टॉल, ठीक है. द फर्स्ट फेज ऑफ जॉइंट डायस्टॉल दैट सिग्नलाइजेस द ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द ऑरिकल्स. मैंने अभी क्या बोला, ऑरिकल्स आर द रिसीविंग यूनिट्स, वेंट्रिकल्स आर द गिविंग यूनिट्स, ठीक है. इन्होंने रिसीव करना है, इन्होंने गिव करना है, ठीक है. तो अब ऑरिकल्स के केस में क्या है, इन्होंने ब्लड लेना है. कौन सिग्नलाइज कर रहा है, जॉइंट डायस्टॉल, ठीक है. जॉइंट डायस्टॉल जब ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों इकट्ठे रिलैक्स, समझ आ गया. फर्स्ट टाइम जैसे ही ये रिलैक्स हुए, लंग्स से ब्लड पास होगा, विच ब्लड वेसल कैरीज इट टुवर्ड्स द हार्ट इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, व्हाट इज दैट, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कैरीज इट फ्रॉम द लंग्स टू द ऑरिकल. इज इट ओरिजिनली अ वेन, no, that's an exception. Why? Because this is the one transporting the oxygenated blood, but the veins they circulate or they transport the deoxygenated blood, ठीक है. But why then it is called as a vein? कहा ही क्यों, अगर इसको हमने vein की exception है तो फिर vein बोला ही क्यों. बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो सकते हैं, बाकी जैसे इसमें वेल्व्स हैं या फिर इसका जो फ्लो है टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट वाला, ठीक है, वो वाला हो गया, या कैरेक्टरिस्टिक्स वेल्व्स की प्रेजेंस हो गई, ल्यूमन के कैरेक्टर्स, ये सब चीजें उसको वेन का नाम दिलवा रहा, ठीक है. बट वाई एक्सेप्शन, क्योंकि दिस कैरीज ऑक्सीजनेटेड, अदर वेन्स दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डन, ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ब्लड हमारा पोर हो गया इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, नाउ टू होल्ड इट, इट विल बी क्लोज्ड, ठीक है. जैसे ही ब्लड आया, ये पहले दोनों ओपन थे, ये क्लोज हो गया, अभी ये खुला है, लेकिन ये जो है, सॉरी, हाँ, ये क्लोज हो जाएगा, सॉरी, पहले वेंट्रिकल क्लोज हो जाएगा, इसके अंदर ब्लड पड़ा, ठीक है, वेंट्रिकल क्लोज हो गया. क्यों? क्योंकि उतना समय ऑरिकल के पास भी रुकेगा ब्लड, ठीक है. ब्लड जो है वो ऑरिकल के पास रुके थोड़े समय के लिए, अपने टाइम पीरियड के लिए, तभी वो बाद में आएगा वेंट्रिकल के पास, तो इतने समय के लिए वेंट्रिकल बंद हो गए. बट सेकेंड फेज हम वेंट्रिकुलर सिस्टॉल नहीं देते. क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ब्लड तो ऑरिकल में है, वो तो ऑरिकल में ही है, वो आगे थोड़ा ना फ्लो हुआ. जब ब्लड ने फ्लो होना है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है, तो उसको नाम मिलेगा फेज को,
ठीक है. तो पहला क्या था, ज्वाइंट डायस्टॉल. ज्वाइंट डायस्टॉल में क्योंकि ब्लड यहाँ रुकना है तो वेंट्रिकल अपने आप बंद हो गई, वो बंद हो गया ताकि ये अपना पॉइंट फ्रैक्शन जो भी सेकेंड है इसके, तो वहां पे ये रुक सके. ठीक है, डन. उसके बाद अब क्या होगा, नाउ द ऑरिकल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. पहले ये ओपन था, ये बंद था, ये ओपन था. ठीक है, अब ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा. राइट, जैसे ही ऐसे कंट्रैक्ट हुआ वैसे वैसे ये ब्लड क्या है आगे चला गया इनटू द वेंट्रिकल. वैसे वैसे ये ब्लड कहाँ जा रहा है, इनटू द वेंट्रिकल. पोर हो रहा है. अब जब पोर हो रहा है तो उसको आप नाम दोगे, क्या नाम देंगे, कंट्रैक्शन हुई ब्लड आगे गया. कंट्रैक्शन के लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम, इन कंट्रास्ट टू डायस्टॉल. इन कंट्रास्ट टू डायस्टॉल व्हाट इज, हाँ, सिस्टॉल. सो दिस इज कंट्रैक्शन हुआ किसका, किसका कंट्रैक्शन हुआ, ऑरिकल का हुआ. तो हमने यहाँ पे ऑरिकुलर सिस्टॉल या एट्रियल सिस्टॉल नाम दिया. डन, गेटिंग, ओके. अब ऐसे ही हमारे पास क्या हुआ, अभी तक के लिए ये बंद है, ऑरिकल बंद है, वेंट्रिकल खुला. ठीक है, अब ऑपोजिट हो जाएगा जब ऑरिकल खुलेगा और वेंट्रिकल जो हमारा बंद होगा. पर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब ये ब्लड वेसल्स जो इस तरह से लगे हुए हैं इनकी ओपनिंग में भी एक वेल्स है. कौन से वेल्स है, हैव आई टोल्ड यू द वेल्स नेम विच आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द मेन आर्टरी एंड द मेन वेन. हाँ जी, एनी वन, वॉट आर द वेल्स कॉल्ड. No. Bicuspid is on the left side between auricle ventricle. Tricuspid on the right side between auricle ventricle. Yes, Amrit Khan. Semilunar vein. Yes, these are called as semilunar valves. Very nice. These are called as semilunar valves. Now the semilunar valves, they are not pointed downwards as the cuspids are. ठीक है, cuspid ऐसे downward pointed होते हैं. ये जो है ये पहले ही ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे pointed हैं. ठीक है, वेसल के अंदर ऐसे पड़ेंगे. ठीक है, जब भी वेंट्रिकल से पंप लगेगा क्या होगा, ये दूर हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और ब्लड फ्लो करेगा आयोटा में. ठीक है, सो जब ये ऑरिकल कंट्रैक्ट हुआ ब्लड चला गया इनटू द वेंट्रिकल, नो ब्लड वेसल पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड इनसाइड, है ना, अंदर तो चाहिए ही नहीं. ठीक है, अब इसके बाद वेंट्रिकल ने वापस पंप किया, यानी अब ये कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है ताकि ब्लड फ्लो कर सके. अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या लिखेंगे फेस को फिर से, No, systole. Contraction is systole. Contraction is systole. Don't get confused for these terms. आप एक चीज याद रखो बस. Starting में ये joint diastole मतलब दोनों इकट्ठे relax हैं. इतना तो याद रहेगा ना हमें. तो diastole का term relaxation, बस एक term याद रखो. दोनों नहीं होती है, confused हो रहे हो, रहने दो. दूसरा अपने आप ही opposite है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये systole हो गया ventricle. अब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल है तो हम उसको नाम दे देंगे एज वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. नाउ द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल लीड्स टू द पंपिंग ऑफ द ब्लड इनटू दीज ब्लड वेसल्स एंड हेंस इट गोज आउट फ्रॉम द बॉडी एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द वेरियस बॉडी टिश्यूज. देन व्हाट इज दिस ब्लड वेसल कॉल्ड एज, दिस इज आयोटा, दैट इज द मेन आर्टरी. हाँ, अब इसके बाद ब्लड टिश्यू से वापस फिर से आएगा टुवर्ड्स द राइट साइड, क्योंकि अभी तक कवर हुआ है सिर्फ लेफ्ट साइड, है ना. सेम हैपेंस फॉर द राइट साइड आल्सो. जब राइट साइड में ब्लड आना है बॉडी टिश्यू से, फिर से क्या होगा, जॉइंट डायस्टॉल. जब भी इसको रिसीव करना है हार्ट को, उसको सिग्नल चाहिए पहले जॉइंट डायस्टॉल. जब तक जॉइंट डायस्टॉल नहीं होगी ब्लड एंटर नहीं करेगा. ठीक है, अब जॉइंट डायस्टॉल हुआ, ब्लड एंटर किया. जब ब्लड एंटर किया तो उसके बाद क्या हुआ, दिस ऑरिकल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, एट्रियल सिस्टॉल आया, ब्लड नीचे चला गया, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल आया, ब्लड वापस बाहर निकल के लंग्स. ठीक है, सो विच ब्लड वेसल पासेस इट इनटू द राइट ऑरिकल, वेना कावा, दैट इज द मेन वेन, दैट इज वेना कावा. एंड व्हाट कैरीज इट आउट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी. सेम वे इज इट द आर्टरी एक्चुअली, नो, this is going to supply to the lungs back. ठीक है, यहां से lungs में वापस चला जाएगा. And this is through pulmonary artery. Right? The pulmonary artery and pulmonary vein, they comprises the circulation of the lungs and the heart. है ना, ये दोनों तो यहाँ पे काम कर रही है. So this kind of the circulation is called as, I am talking only about lungs and heart.
Question is, the pulmonary vein and pulmonary artery are involved among us the circulation of lungs and the heart. What is this circulation called? Hanji Amrit? Pulmonary circulation. Yes, that is pulmonary circulation. Pulmonary terms use ho rahi hai. The pulmonary circulation, pulmonary vein, pulmonary artery, pulmonary circulation. Theek hai? Niche main vein, main artery, lower side, yani ki बॉडी टिश्यू और हार्ट की एक्सचेंज में है ना. सो वहां पे कौन सा टर्म यूज करते हैं सर्कुलेशन के लिए? सिस्टेमिक. इट इज नॉट सिस्टेमैटिक. ओके, सिस्टेमैटिक नहीं है, इट इज सिस्टेमिक. टी ई एम आई सी. ओके, आई हैव ऑलरेडी क्लियर इट इन योर लास्ट क्लास. तो ये क्लियर हो गया बच्चे जी? ठीक है, ऑल द कंसेप्ट क्लियर? डन, राइट. सो दिस इज अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड द ब्लड वेसल्स दैट विच हेल्प्स. कहां जी? हाँ, आयोटा से ब्लड जो आयोटा है ना उसका प्लेसमेंट इस तरह से है कि मतलब हार्ट है, जैसे ये हार्ट है हमारा, ठीक है. अब इसमें से ये ब्लड वेसल अराइज किया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ जाके ब्रांचेस करेगा पहले अपर ऑर्गन्स हार्ट से ऊपर ऊपर, जैसे हमारा पेस एंड ऑल है, तो अपर ऑर्गन्स के लिए ब्रांच करेगा, फिर ये वापस पीछे मुड़ जाता, उसको कहते हैं डॉर्सल आयोटा, जो डॉर्सल साइड चला जाता, डॉर्सल आयोटा, डी ओ आर एस ए एल. ठीक है, सो जब वो पीछे चला जाता है यहाँ पे आके भी वो ब्रांचेस कर देता ताकि वो डिफरेंट ऑफ द लोअर ऑर्गन्स में भी चला जाए. जैसे एक जाती है हमारी आर्टरी टुवर्ड्स द किडनीज आल्सो. व्हाट इज दैट नेम? व्हिच आर्टरी रीचेस द किडनीज? व्हिच आर्टरी रीचेस द किडनीज? व्हिच आर्टरी रीचेस द किडनी? एक्सक्रीटरी सिस्टम. हाँ जी, जस्लीन बोलो. मैम रीनल आर्टरी. हाँ, रीनल आर्टरी. देना कावा जस्लीन? मैम रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी. रीनल. यस, इट इज रीनल आर्टरी. वेरी नाइस. इट इज रीनल आर्टरी दैट रीचेस द किडनीज. दैट्स ओनली अ टर्म गिवन. आर्टरी तो आर्टरी है सारी, है ना. ये तो हमने अपनी आसानी के लिए उसको नाम दे दिए. जो किडनी को रीच कर रही है वो रीनल आर्टरी है, जो लंग्स को रीच कर रही है वो पल्मोनरी है. उनके साथ हमने बायोलॉजिकल टर्म्स जोड़ दी. ठीक है, तो रीनल आर्टरी इज व्हाट? दैट इज व्हिच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द किडनी. बट अलोंग विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट ऑल्सो कैरीज व्हाट? रीनल आर्टरी कैरीज व्हाट? आपको क्वेश्चन आता है तो आगे नीचे लिखे आती है ऑप्शन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेट से द ऑप्शन आर oxygenated blood. This is O2 blood means oxygenated blood. Okay, along with let's say proteins. Okay, then it carries deoxygenated blood along with minerals. This carries oxygenated blood along with some salts, and it carries deoxygenated blood along with some आयंस. रीनल आर्टरी क्या होता है? क्या पूछा आपने? रीनल आर्टरी कैरीज व्हाट? ऑप्शंस आर ए बी सी डी. ऑप्शंस आपको दे दी मैंने, बताओ. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या है? सी. यस, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलोंग विद द सॉल्ट्स. सॉल्ट्स एक्ट एज अ इम्प्योरिटीज. यहाँ सॉल्ट्स की जगह पे हम आयंस भी लिख सकते थे. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं दोनों तरफ लिख देती डीऑक्सीजनेटेड प्लस आयन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आयन, ऑक्सीजन प्लस आयन, आयन इज ऑल्सो बिकॉज द सॉल्ट दे आर एक्चुअली कैरिड इन द फॉर्म ऑफ द आयन दोनों. ठीक है, एज अ कंपाउंड नहीं उसको कैरी करा जा सकता, आयनिक फॉर्म्स में लेके जाता. ठीक है, सो दिस इज द रीनल आर्टरी. एक्चुअली इट वेंट इन टू द किडनीज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके जो उसका काम है. ठीक है, रिक्वायर्ड थिंग्स सप्लाई कर सके. लेकिन एक काम किडनी का भी है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ये जो आयोटा जा रहा है, जो आयोटा ब्रांच अप हुआ या रीनल आर्टरी जो रीच हुई हमारी इसमें किडनी के पास पहुंची, उसके अपने अपने काम वो कर रही है. लेकिन किडनी का अपना काम जिसने रिसीव करना है, वो उसका काम है कि वो साथ साथ सारी इम्प्योरिटीज भी यहाँ पे छोड़ के जाए.
ठीक है, बिकॉज व्हेन द ब्लड रीचेस टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन अलोंग विद दैट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज, है ना, सप्लाई तो यही दे रहे हैं ना, फिर उसके साथ वो वापस अपनी कुछ केमिकल्स उठा भी रही बिकॉज ऑफ द हाई एंड लो कंसेंट्रेशन, है ना, सो दैट केमिकल्स दे आर एडेड टू द रीनल आर्टरी विच देन पासिस ऑन टू द किडनी एंड हेंस दे एक्सपेल आउट ऑल दोज इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड इन टू द किडनीज. ठीक है, नाउ व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द किडनी? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनीज. नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, बच्चे जब आपके पेपर सब्जेक्टिव होते थे ना, जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तब भी हमारे पास नेफ्रॉन का डायग्राम लेबलिंग के लिए जरूर आता है. ठीक है, क्योंकि वो ड्रॉ करने के लिए बहुत कम्प्लेक्स है, बच्चों के हर एक के लेवल का नहीं है. नो डाउट हमने उसको ईजी बना दिया, थोड़ा सिंपल बना दिया, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? सो अगर हम उसकी बात करें, इफ व्हेन देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक सब्जेक्टिव ऑल्सो एट दैट टाइम यू यूज टू हैव दीज काइंड ऑफ द कम्प्लेक्स क्वेश्चन एज फॉर डायग्राम, दिस विल ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो कम हेयर फॉर योर पेपर for both term 1 or your internal exams. Okay, so that is a very important question. And plus, jo maine nephron banaya hai wo bahut seedha seedha sa nephron, kyunki maine aapko sirf uske parts depict kiye hain. For getting the good marks in your drawing part I have made it easier, but in your NCERTs that is quite very complex. Ye dekho NCERT ka nephron agar aap dekhenge to it is very very complex. Okay, they have just entangled it over here. If you can see all the students, this is a structure of the nephron, है ना, so it's given at page number 111, 111. So this is the diagram which is given in your NCERTs, but the labeling part for all the diagrams I would say, because आप लोगों की जो paper है, मैं पहले भी शायद आपको बता चुकी हूँ, आप लोग के जो paper है CBSE से जो बन के आना है, क्योंकि हमारा target main term 1 है. ठीक है, ये तो internal exam है, इंटरनल में हो सकता है कि एक आधी चीज मैंने जिस तरह करवाई मैं वैसे ही डाल दूँ, हो सकता है ना, मैंने जैसा हार्ट का डायग्राम करवाया मैं वैसा डाल दूँ. लेकिन आप लोग की सीबीएसई के लिए सिर्फ एक ही बुक कॉमन है थ्रू आउट द इंडिया एंड दैट इज योर एनसीईआरटी. ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ड्रॉ में आपको ईजी हार्ट करवाया है, लेकिन मैं पेपर में आपको वो वाला कम्प्लेक्स हार्ट जो आपकी बुक में गिवन है वो वाला डाल. अब हार्ट भी दिखाओ, इसमें हार्ट कितना कम्प्लेक्स बनाया हुआ, दैट इज नॉट द सेम वे एज आई हैव ड्रॉन इट. ठीक है, द हार्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, इट्स नॉट द सेम विच आई हैव ड्रॉन, है ना, बट व्हेन यू विल बी लुकिंग ऑन टू, ये देख लो बेटा, दिस इज द हार्ट स्ट्रक्चर. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स व्हाट? एनीवन? इज इट डबल सर्कुलेशन? यस, दैट इज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ब्लड वेसल्स. आपको मेरे ख्याल से एक्सचेंज ऑफ गैसेज का डायग्राम अलग से नहीं है, नहीं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का भी ऐसा ही होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेज में लंग्स की बजाय वहां पे एल्वियोली लिख देंगे. ठीक है, जहां पे एग्जैक्टली एक्सचेंज साइट हो रहा है, ये ध्यान रखना. ठीक है, अगर आपके इन डायग्राम्स में, क्योंकि सीबीएसई का कुछ नहीं पता क्या करते हैं, अगर आपके डायग्राम में बेटा इस तरह से जो हमने बनाया था डायग्राम आपकी नोटबुक्स पे बना पड़ा होगा, इफ दे आर शोइंग द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल देन दैट मीन्स दे आर कंसर्न विद द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, दे आर शोइंग द ब्लड वेसल सो दे आर कंसर्न विद द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर ब्लड वेसल हुए तो आप डबल सर्कुलेशन का नाम दो, अगर ब्लड वेसल हुए तो द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डबल सर्कुलेशन, एंड ऑब्वियसली देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन द सेम सिस्टम्स आल्सो, राइट? और अगर यहाँ इसकी जगह पे आपको रिप्लेस कर दिया है सिंपल क्रॉस सेक्शन ऑफ द एल्वियोली, सिंपल इस तरह से आपको ब्लड वेसल का एक सेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, जो एक्सचेंजेस कर रहा है. ठीक है, एल्वियोलाय के अंदर हो सकता है आपको प्रॉपर क्लाउड शेप एल्वियोली दे दें, या फिर ऐसा ही सैक लाइक स्ट्रक्चर दे दें, दैट इज जैसा आपका बना होगा. तो दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द ब्लड वेसल दैट विच रन्स अलोंग विच, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया, तो दैट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. समझ आई? ठीक है, ये याद रख लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और सर्कुलेशन के लिए डायग्राम्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है. When we are not concerned with much of the branches and rebranches of this blood vessels, then we are not concerned with the circulatory system. ठीक है, circulatory system से हमारा concern कब होगा? जब हमारे पास blood vessels भर भर के आएंगे, जैसे ये red and blue color में इतने सारे blood vessels दिए होंगे. ठीक है, so we are concerned with the circulatory system. Otherwise, it can be of the exchange of gases as well. ठीक है, getting? हाँ जी,
okay, then is I was talking about the nephron and the other diagrams. Nephron ho gaya, heart ho gaya. यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे ख्याल से सेम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा थोड़ा कम्प्लेक्स था, लेबलिंग में भी यहाँ बुक में बहुत आसान है, पर आपको एनसीईआरटी क्या एक एक डायग्राम, एक एक डायग्राम, डायग्राम की लेबलिंग तक आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस टर्म यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी डायग्राम, है ना, ओनली लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन आर देयर, आइडेंटिफिकेशन आप कर लेते हो लेकिन लेबलिंग नहीं होती है. अब मैंने अगर सपोजिंग मैंने जब डायग्राम बनाया था, मैंने लिवर इस तरफ जाके लेबल मार के उसको लेबल किया, और आपको अगर यहाँ पे कहीं पे लेबलिंग आ गई आप कंफ्यूज हो जाओगे इधर कौन कौन से पार्ट थे. ठीक है, अगर हम उसमें लिवर को टारगेट कर रहे हैं या लिवर के डक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ कंफ्यूजन, है ना. तो दैट इज यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस, गेटिंग माई पॉइंट, राइट. द डायग्राम्स वी हैव ड्रॉन दे आर ऑलरेडी देयर इन योर माइंड, ओके. द लेबलिंग यू हैव टू चेक इट थॉरली फ्रॉम देयर, because we have taught you about the hepatopancreatic duct and the cystic duct, hepatic duct, हमने सब कुछ बताया. आपकी एनसीईआरटी में नहीं है सर, ठीक है, ये duct system नहीं है एनसीईआरटी में. लेकिन अब diagram आ गया उनका और labeling आ गई मेरी, mixture भी आ सकता है, ठीक है. So both the diagrams are important, but I'm again I'm saying, because our target is not our internal exams only, our target is term 1 final exams, है ना. तो फाइनल एग्जाम जो होने हैं उसमें जो डायग्राम आने हैं वो आपके यही आने हैं एनसीईआरटी वाले. यू माइट हैव सीन योर सैंपल पेपर, हैव यू सीन द सैंपल पेपर विच आई सेंट यू इन द ग्रुप आल्सो, राइट. वो सैंपल पेपर में भी अगर आप देखो तो वहां पे डायग्राम जितने उठाए हैं कहाँ से उठाए, सारे एनसीईआरटी के. दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट फ्रॉम एनी इंटरनेट सोर्स, एनी ऑफ द अदर बुक्स, नॉट, बिकॉज देयर इज ओनली वन बुक विच मेक्स इट कॉमन फॉर थ्रू आउट द इंडिया for all the 10th standard students, that is your NCERT, okay, nothing apart from that. Duct system, DUCT, duct system ki labeling humne karwai hai aapko, book mein nahi aayega. Ha, to cystic duct ho gaya, hepatic ho gaya, hepatopancreatic ho gaya, ye sab cheeze unhone label nahi karwai, hardly zyada se zyada unhone label kiya hai salivary glands aur unke ducts, है ना. तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर डायग्राम्स. ये नेफ्रॉन वाला डायग्राम तो हमें सब्जेक्टिव पेपरों में भी आता रहा है, तो अब तो ऑब्जेक्टिव है ना. तो टर्म वन के लिए, फॉर टर्म वन आई एम सेइंग बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग, राइट, ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन फॉर द कंसिस्ट ऑफ द टू ऑफ द पार्ट्स, वन इज द बोमेन कैप्सूल, दैट इज द कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, अ कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द बोमेन कैप्सूल. And another are the renal tubules. The tubules that further comprises of the three parts, that is PCT, loop of Henle, and DCT. यही होते हैं इसके parts, ठीक है. So these are the renal tubules and the various parts of it. Now what is the function of these? As we know that the kidney is involved in which mechanism mainly? प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड हो गया और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, दोनों चीजें उसके रोल है ना. तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए या प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए यूरिन बनाएगा, और यूरिन बनाने के लिए उसके तीन स्टेप्स हैं. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दैट विच इन्वॉल्व्स द बोमेन कैप्सूल ओनली, ठीक है. बोमेन कैप्सूल दैट इज इन्वॉल्व ओनली फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, दैट इज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. द ब्लड दैट रीचेस थ्रू द बोमेन कैप्सूल इज थ्रू व्हाट? विच ब्लड वेसल? आर्टरी. द आर्टरी हैज इट एंटर्स इनटू द किडनी सेक्शन. लिसन, लेट्स से दिस इज अ किडनी, ठीक है. ये इस तरह से ये सी शेप बीच में कर्व बना होता है, ठीक है. दिस इज अ पार्ट वेयर ऑल द ब्लड वेसल दैट मेक्स इट्स एंट्री टू, ठीक है. ये इस तरह से रीनल आर्टरी है, ठीक है. सो इट इज मेकिंग इट्स एंट्री टुवर्ड्स द हाइलम, दैट इज दिस पार्ट ऑफ द किडनी, ठीक है. हाइलम, एच आई एल यू एम, ठीक है. तो यहाँ पे ये एंटर करता है, जैसे ये एंटर करा यहाँ पे जाके इसने अपनी फर्दर ब्रांचेस दे देनी किडनी की, सॉरी रीनल आर्टरी. ये रीनल आर्टरी की ब्रांचेस बन गई, ठीक है. Furthermore, these are again going to branch up and still small, very tiny, very small branches. Millions of the branches banayega, aap ye socho.
एक आर्टरी क्रॉस सेक्शन आपको ऑलरेडी दिखती होंगी, आर्टरीज वेन्स आपकी आर्म्स वगैरह में कितनी कितनी मोटी होती है, उसके भी आगे अगर हम मिलियंस सेक्शंस बना दें तो कितना फाइन थ्रेड से भी पतला वो स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, थ्रेड से भी पतला हो जाएगा ना वो स्ट्रक्चर। वैसा स्ट्रक्चर रीच अप करता है टू द वोमन कैप्सूल इन द क्लस्टर्ड फॉर्म, एंड व्हाट इज दैट क्लस्टर ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज, नेफ्रॉन तो ये पूरा ही, द ब्लड वेसल्स क्लस्टर दैट रीचेज द वोमन कैप्सूल or that is carried within the Bowman capsule, the cluster of blood vessels, what is it called as? Yehi agar diagram or labeling aati hogi na to ye confusion se hogi, that is called as glomerulus. Padha nahi hai glomerular, tabhi to naam aaya uska. Glomerulus is the blood vessel that which reaches up into the Bowman capsule and it is the branches of the arteries. Theek hai, to yahan tak ye renal artery hai. अगर आपसे पूछ रहे हैं कि वॉट रीच इज द नेफ्रॉन, इट इज नॉट द आर्टरी, देन इट इज द ब्रांचेस ऑफ आर्टरी कॉल्ड एज, हाँ जी दे आर कॉल्ड एज आर्ट्रियोल्स, दे आर कॉल्ड एज आर्ट्रियोल्स, ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज आर कॉल्ड एज आर्ट्रियोल्स, फिर वो जितनी मर्जी थिन ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने पहले में यहाँ पे चार बनाई, चार की पचास बन जाए, पचास की दस हजार बन जाए, जितनी मर जाए वो सारी की सारी की सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो सारी इकट्ठी क्या आएंगी, आर्ट्रियोल्स, ठीक है, हाँ जी। ग्लोमेरुलस एक क्लस्टर है, जैसे ये कप शेप स्ट्रक्चर है, वोमन कैप्सूल ये कप शेप है, ठीक है। अब इसके अंदर आर्ट्रियोल रीच की, ये आर्ट्रियोल यहाँ पे ऐसे इंटेंगल हो जाएगी क्योंकि बड़ा मास बनाएगी ना, एक ऑलरेडी थिन सी ब्लड वेसल अगर कल ही जाती उसमें से निकल के तो ब्लड कितना होता उसके अंदर, फिल्ट्रेशन कितनी कर पाती, नहीं ना कर पाएगी, इसीलिए वो आर्ट्रियोल नेचर ने क्या किया, इसके अंदर ऐसा पूरा एक गुच्छा सा उसका बना दिया, क्लस्टर बना दिया, ठीक है। एंड देन अगेन इट कम्स आउट एज अ सिंगल, ठीक है, इट्स नॉट द फॉर द ब्रांचेस, इट इज ऑल द इंटेंगल्ड मास ऑफ द ब्लड वेसल व्हिच इज कैरिड एयर इन द वोमन कैप्सूल एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। नाउ दिस ग्लोमेरुलस में से एक सिंगल आर्ट्रियोल फिर से बाहर आएगी, ठीक है, आप लोगों ने डायग्राम बनाए हुए हैं, यू कैन व्यू इट इन योर नोटबुक्स इफ यू हैव द डायग्राम। So, ये क्या है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस हियर इन द बोमेन्स कैप्सूल, है ना, बोमेन कैप्सूल की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये समझ आ गया आपको, आर्टरियोल्स है, ठीक है, व्हाट रीचेस टू द बोमेन कैप्सूल इज द आर्टरियोल, ओके, व्हाट एग्जिट्स आउट फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल इज अगेन एन आर्टरियोल, राइट। सो लेट्स से दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर, जस्ट आई एम मेकिंग इट फॉर यू पीपल, इफ यू आर नॉट कैरिंग द डायग्राम यू कैन सी हियर, this is the cup shaped structure that of the nephrons, that is the Bowman capsule, okay, so this is the cup shaped structure, itna zyada thick nahi hota, thin nahi hota, so what reaches into is the arteriole, hai na, I told you that is it is going to carry the blood towards the Bowman capsule, this arteriole when it reaches inside इट गेट्स इंटेंगल्ड, ये आपस में अपने आप में ही इस तरह से इंटेंगलमेंट हो जाती है, इसकी इस तरह से इंटेंगल हो जाती है वॉल्स, समझ आ रहा है ना, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। तो व्हेन इट इज फॉर्म्ड लाइक दिस इंटेंगल्स आर फॉर्म्ड, व्हाट कम्स आउट एज अ लास्ट इज अगेन एन आर्टरियोल, ठीक है, तो बाहर क्या आएगा इसमें से फिर से, दैट्स एन आर्टरियोल, यही वाली आर्टरियोल बीच में गुच्छा बनाती है, ठीक है, पर इसकी जो वॉल्स है वो जुड़ेंगी नहीं, ये देखो इसकी वॉल्स मैंने यहाँ तक बनाई है ना, ये बोमेन कैप्सूल की अपनी मेम्ब्रेन के साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी नहीं है ना, दिख रहा है, नहीं जुड़ी, क्यों नहीं जुड़ी, क्योंकि अगर ये ऐसा कंबाइन कर जाए, अगर ये उसके ऊपर चिपक जाए, बोमेन जैसे ये बोमेन कैप्सूल का वॉल है नीचे वाला, ये वाला मेम्ब्रेन, इसके ऊपर आके अगर ग्लोमेरुलस ऐसे जुड़ जाए, पूरा फिक्स हो जाए, तो इसके पोर्स बंद हो जाएंगे, है ना, तो जो जो सिर्फ केमिकल, जो जो सॉल्ट या आयन उस पोर वाले स्ट्रक्चर पे आएगा वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा, बाकी तो वहीं पर रहेगा। तो इजी डिफ्यूजन के लिए क्या है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्यों, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी से छोड़ते जा रहा है सॉल्ट को और ये अपनी कैपेसिटी से एब्जॉर्ब करता जा रहा है, अंदर लाता जा रहा है, ठीक है, इसलिए देयर इज अ गैप विच इज लेफ्ट इन बिटवीन, डन, समझ आया। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोमेन कैप्सूल, दिस इज ऑल्सो पोरस, ये पोरस है, ठीक है, इसमें पोर्स बने हुए हैं, ये पोर्स क्यों बने हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट या केमिकल्स हैं वो निकल के बोमेन कैप्सूल में आ जाए,
दिस ओनली स्ट्रक्चर इज द वर्मिंग कैप्सूल. ये इतना सा कप लाइक स्ट्रक्चर इज द वर्मिंग कैप्सूल. देन स्टार्ट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल दैट इज पीसीटी. ठीक है, समझ आया. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में एक कंसेप्ट है हमारे पास कि जब ये फिल्ट्रेशन होती है तो ये फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा होती है पर डे एक नॉर्मल किडनी के अंदर कि हम उसको पूरी को रिमूवल भी नहीं दे सकते. लाइक लेट्स से अगर हम पर डे की बात करें सो इट इज 180 लीटर्स ऑफ द यूरिन विच इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स बना रही है इतना सारा, लेकिन हम 180 लीटर यूरिनेट करते हैं? नो, वी ओनली यूरिनेट आउट 1% ऑफ इट, दैट इज 1.8 लीटर्स पर डे. सिर्फ 1% हम यूरिनेट आउट करते हैं. सो वेयर डज दिस 99 गोज? इट गोज बैक इनटू द ब्लड वेसल. जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा. आर्ट्रियोल से आया था, आर्ट्रियोल में चला जाएगा. यही जो आर्ट्रियोल बाहर आई है इसने यहाँ आके ब्रांच अप कर जाना, ब्रांचेस फॉर्म कर देती है ना. डायग्राम बना पड़ा है आपके पास, इफ यू कैन व्यू इट. तो ये डायग्राम में आपने देखा है यहाँ पे ब्रांचेस आ गए. ये ब्रांचेस कवर करती है इन तीनों को. सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आती है पीसीटी के ऊपर, इसलिए सबसे पहला काम रीअब्सॉर्प्शन का पीसीटी शुरू करती है और सबसे ज्यादा पीसीटी करती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा क्लस्टर है. आप लोगों ने बनाई थी ना प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने सारी बनाई थी. एक नेटवर्क बनाया था पूरा, याद है डायग्राम में हमने बनाया था. तो वो पीसीटी को कवर कर रहा है. जब इतना सारा बड़ा नेटवर्क होगा तो ऑब्वियसली रीअब्सॉर्प्शन भी तो ज्यादा ही होगा, है ना. सो द सेकेंड स्टेप आफ्टर दिस फॉर्मेशन हो गया यूरिन का, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है दैट इज इट इज स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज द पीसीटी. सो इट हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन. रीअब्सॉर्प्शन कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल. इट इज मैक्सिमम एट पीसीटी, देन एट लूपा फेनले, देन एट डीसीटी एज वेल. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस when there is exhaust of or the removal of the much wanted materials within the body. Agar glucose as such bina use bahar nikal jaye, yahan koi amino acids urine mein add hote ja rahe hain ya water, theek hai, agar ye sare ions hamare add hote ja rahe hain urine mein aur wo removal ho jayega uska, ek bar collecting duct mein chale gaye uske se wapsi nahi hai, theek hai, usme se wapsi nahi hai in materials, to kya hoga कि जब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाए उससे पहले ही लेटर पार्ट्स यानी कि डीसीटी, लेटर पार्ट हो गया ना रीनल ट्यूब्यूल का, लेटर मींस लास्ट वाले पार्ट्स. तो डीसीटी जो है उसके पास एक और खासियत है कि ऐसी चीजों को वो रिमूव ना कर पाए, और जब रिमूवल नहीं देना तो दैट इज थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन. मतलब लेटर पार्ट्स जो है वो खुद ही सिक्रीशन दे देते हैं ताकि ये आगे बाहर रिमूवल में ना चले जाए विदाउट यूज, without being utilized. Okay, so these three steps ultimately results into the formation of the urine. Getting? Now in your NCERT again you are given a big stanza, big paragraph of this all explaining it but not giving the headings. Okay, par usme chemicals ke naam likhe. What is additional is they have also written the names of some chemicals, nitrogenous compounds, they have given the names, so maybe you can get a question from that. ठीक है, आपके टर्म वन में थोरो रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज रिक्वायर्ड, सो मे बी यू कैन गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट एज़. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडेज़ रिवीजन टेस्ट. एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज़?